नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं और कामना करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, घर से बाहर बेवजह नहीं निकल रहे होंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा मंदिर के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने कहा है कि कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा, गणपति पूजा, दुर्गा पूजा आदि धार्मिक परंपराओं को भगवान जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर सोशल डिस्टेंसिंग साथ जारी रखे जाने चाहिए। यही जीवन का आधार है और यह नकारात्मकता से दूर रखेंगे। काफ़ी लोगों का रोजगार भी जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं स्वामी चक्रपाणी जी के द्वारा। कोविड-19 के जिस प्रकार से यहाँ पे भारत में हुआ है, तो भारत में जो जो धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक क्रियाकलाप है, जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है ये आप देखो। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं सरकार से कि देखो, जैसे धार्मिक जो गतिविधियाँ हैं और जो सनातन धर्म के खासतौर से जो भी त्यौहार हैं, चाहे जो भी परंपराएं हमारे हैं, उससे एक बहुत बड़ा एक आर्थिक भी निर्भर रहता है। एक तो आस्था तो है ही है, उसके साथ काफ़ी लोगों के रोजगार जुड़े होते हैं। जब जब सामान बाज़ार से ख़रीदा जाता है तो छोटे छोटे लघु उद्योग करने वाले लोग उससे जीवन यापन करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो धार्मिक हमारी परंपराएं हैं, उससे काफ़ी लोगों की जीविकोपार्जन होता है। और जैसे हमारे पुजारियों का अधिकतर जो है, जो पुजारियों का उसी पर निर्भर है। संत महात्माओं को अधिकतर जो दान देते हैं उसके द्वारा चलता है। लेकिन जिस प्रकार से कोविड के माध्यम से सभी धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद के करने का जो किया जा रहा है, वो बिल्कुल हमें लगता है ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इसके कोविड फैले ना, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसके उसके माध्यम से उसके उसको पालन करते हुए हम उसको करें। जैसे भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने दोनों की सहमति से गाइडलाइन तैयार किया गया निकला, उसी प्रकार से चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे महाराष्ट्र की गणेश पूजा हो गणपति बप्पा का, या बंगाल में दुर्गा पूजा हो, या चार धाम यात्रा हो, या कांवड़ यात्रा हो, तो हमें लगता है इसको पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और इसको एक गाइडलाइन तैयार करके, एक सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के एक कुछ शर्तें वो करके, सावधानी वो करके, और इसको लेकिन जारी रखने चाहिए। क्योंकि दो बातें हैं, एक तो जब धार्मिक गतिविधियों में आदमी लिप्त रहता है, जब धार्मिक गतिविधि करता है, देखता है, सुनता है, तो उसे एक तो माहौल सकारात्मक होता है। अगर वो सब गतिविधि बंद कर दी जाए, परंपरा बंद कर दी जाए, तो आदमी नकारात्मकता में ऐसे ही चले जाएगा। नकारात्मकता में तो ऐसे ही नेगेटिव चारों तरफ समाचार, और लोगों कोई बीमार पड़ रहा है, कोई मर रहा है, तो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हाल है। तो लेकिन देखो, जब रास्ता चारों तरफ से बंद हो जाता है, तो धर्म ही हमें रास्ता दिखाता है। और जितनी भी परंपराएं बनी हैं, तो ये परंपराएं बहुत प्राचीन परंपराएं हैं, और इसका उद्देश्य ही है कि लोगों में उत्साह, उमंग और का संचार करना। तो हमारा यही मानना था कि इससे धार्मिक जो गतिविधियाँ हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे जो और भी धार्मिक जो कांवड़ यात्रा है या गणपति जी का पूजा है, पूरे देश में होता है, सरस्वती पूजा है, हमारे दुर्गा पूजा है, चार धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, इसको एक फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसको जितना हो सके जारी रखना चाहिए। और लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जो सरकार और कोर्ट तय करें। लेकिन रोकना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जैसे सरकार अपनी सभी गतिविधियों को लॉकडाउन में रोक दिया था, तो अर्थव्यवस्था की क्या हाल हुई थी, आप ये देखो क्या हुआ, अंतोगत शराब सरकार को बिकवाना पड़ा। तो उसी प्रकार अगर धार्मिक पूरी गतिविधियां बंद कर दी जाए, तो लाखों लोग इसमें बेरोजगार होंगे, लाखों करोड़ों लोग आप इससे जो है प्रभावित होंगे। और अभी भी देखो, संतों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है, पुजारियों की स्थिति बहुत दयनीय है, और पूजा काम, पूजा और से संबंधित जो सामग्री बेचने वाले हैं, जो मिठाई बेचते हैं, जो पूजा सामग्री बेचते हैं, बेचारे गरीब ही होते हैं, वो अब पूरी तरह वो लाले पड़ गए हैं उनके। तो हमें लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर पूरी तरह रोकती है तो वो लोग बेरोजगार होंगे, उनके कहीं ना कहीं नकारात्मकता या निगेटिविटी उनके ऊपर हावी होगी, तो ये ठीक नहीं है। और एक तो हम ऐसे भी सरकार से हम वो करते हैं कि जितने भी देश के पुजारी हैं,
जितने भी संत हैं उनको आर्थिक रूप से केंद्र के द्वारा सहयोग देना चाहिए। जैसे 80 करोड़ लोगों को सरकार ने चावल 5 किलो और दाल देने की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से सभी गरीब आर्थिक रूप से कमजोर पुजारियों को और संतों को भी व्यवस्था देनी चाहिए, एक महंगाई भत्ता देनी चाहिए, एक इस समय जो कोविड भत्ता देनी चाहिए, जिसे ताकि वो अपने जीवन यापन ठीक से कर सके। लेकिन धार्मिक जो भी परंपराएं हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जो सरकार तय करे, जो माननीय कोर्ट तय कर दे, उस हिसाब से जारी रखने चाहिए, क्योंकि दुनिया आती है चली जाती है, लेकिन परंपराएं बनाए रखने चाहिए, परंपराओं को नहीं तोड़ना चाहिए जो धार्मिक परंपराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, हरिओम। आप लोग खुशखबर को देखते रहिए, खुशखबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।